भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की पोल खोलने के लिए झूठ बोले कौवा काटे अभियान शुरू किया है, जिसमें कमलनाथ सरकार के 15 महीने के झूठ का खुलासा किया जाएगा। सिंगरौली में भी भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद चौबे ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ सरकार ने युवाओं के साथ छल किया था। उन्होंने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे लेकिन रोजगार नहीं दिया, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ नहीं हुआ, किसानों का बिजली के बिल आधा करेंगे, वह भी नहीं हुआ। कमलनाथ सरकार ने कई घोषणाएं की थी जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश में कुछ उपचुनाव होने वाले हैं, फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उन क्षेत्रों में जाकर जनता के साथ फिर से झूठ बोलकर ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी 56 संगठनात्मक जिलों में मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार के द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में झूठे वादे किए गए। उन्होंने मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी करने का काम किया, किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। साथ ही जो तमाम वादे मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जो चुनावी वादे किए गए थे उसमें लगातार वो विफल हुए। उसी को लेकर के हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभिलाष पांडे जी के द्वारा मध्य प्रदेश में झूठ बोले कौवा काटे अभियान का शुभारंभ किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के झूठ बोले कौवा काटे अभियान का मखौल उड़ाते हुए कांग्रेस के युवा नेता प्रवीण सिंह चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री युवाओं से झूठ बोलकर सत्ता में आए थे कि करोड़ों लोगों को नौकरी देंगे, उन्होंने नौकरी नहीं दी, इसीलिए सबसे पहले उनको झूठ बोलने पर कौवा काटना चाहिए। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ऐसे अभियान चला रही है। प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है और भाजपा के नेताओं के बहकावे में अब नहीं आने वाली है। देखिए, उनका कार्यक्रम झूठ बोले काला कौवा काटे अत्यंत हास्यास्पद है एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोप मिथ्या है। यदि काला कौवा सबसे पहले काटने का काम करेगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को काटने का काम करेगा, जिन्होंने ये कहा था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में आएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने का काम करूंगा। जनता द्वारा किए गए सारे वादों पर वो निकम्मे साबित हुए हैं। और दूसरी बात, यदि काला कौवा काटने का काम करेगा तो शिवराज सिंह जी को काटने का काम करेगा, जिन्होंने ये कहा था कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे। स्थितियाँ क्या हुई आप सबके सामने है। रहा सवाल कमलनाथ जी का, तो कमलनाथ जी ने 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, 12 लाख किसानों की कर्जा माफी की सूची तैयार हो रही थी हमारी। यहाँ तक कि शिवराज सिंह के भाई रोहित चौहान, कमल पटेल जी के भी कर्जे माफ हुए हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और कार्यकर्ताओं के तमाम कर्जे माफ हुए हैं। और 100 यूनिट पर 100 रुपये तक की बिजली देने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। और जितनी भी योजनाएं थी, शादी विवाह के का जो कार्यक्रम था उसको दोगुना करने का काम किया, 50,000 देने का काम किया। जो पेंशन, वृद्धा पेंशन और तमाम जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहे थे उनको दोगुना करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।